बतारीख 3 अगस्त को एक जराए से मिली मुस्तदिखा इतला पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम बालानगर की टीम ने शमशाबाद पुलिस के साथ मिलकर 5 पैन रियासती मंशियात फरोशों को ओडिशा से महाराष्ट्र के रास्ते गांजा ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 803 किलोग्राम ड्राई गांजा, एक केमिकल ड्रम, DCM कंटेनर, एक आर्टिगा फोर व्हीलर गाड़ी, 7 मोबाइल फ़ोन, जुमला 2,94,75,000 रुपये की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त कुछ इस तरह से है, रामू सोमंता खारा और सुरेश मारुति पटेल, हराडे संजीव विट्टल रेड्डी, संजीव कुमार होलारके, और इस खसूस में मजीद मुलजिमान अब भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। ओके सर, हम थोड़ा ये कल गांजा का इनपुट के इनपुट आने से हम SOD साइबराबाद टीम, बालानगर टीम एंड शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन और TGAMB का टीम के साथ व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। वो चेकिंग में कंटेनर मिला, उसमें सॉल्वेंट्स का ड्रम्स था। वो पूरा अंदर जाके देखने के बाद पूरा गांजा का बैग्स मिले। आप देखे वहाँ वो बैग चेक करें तो पूरा 800 किलोस का गांजा मिला। इज़ द फर्स्ट टाइम अभी एक 2 साल से अपना ट्राई कमिश्नरेट में इतने बड़े कंसाइनमेंट नहीं मिला। ये मलकानगिरी से और महाराष्ट्र जा रहे बोल के वो लोग बोल रहे थे। इंटरोगेशन करने के बाद अपने जो ये फुल डिटेल्स आता जो 5 आदमी को अरेस्ट करे और 2 आदमी को अरेस्ट करना है इंपॉर्टेंट वहाँ से ट्रांसपोर्ट जो वो रामू बोल के एक है सप्लायर और रिसीवर महाराष्ट्र का एक है। वो अरेस्ट करने के बाद अपने को फुल डिटेल्स आता। अभी तो महाराष्ट्र कर्नाटका जा रहे बोल के बीच में अपन। ओके, थैंक यू।